दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी है एसी की प्रॉब्लम, कूलिंग नहीं प्रॉपर बन रही, या फिर एयर का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर आपकी गाड़ी में कूलिंग भी सही है और एयर का फ्लो भी सही है, फिर भी जो है गाड़ी के अंदर कैबिन में जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं बन रही, तो दोस्तों आज जो हम आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा, अगर उनको आप फॉलो करोगे, उनको चेक करोगे, तो 100% जो है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पहले स्टेप में क्या चेक करना है, तो दोस्तों आपके जो लेफ्ट साइड आपको जो है ग्लो बॉक्स दिखेगा, आपको इसको खोल लेना है। इसके अंदर जो होता है कैबिन फिल्टर होता है दोस्तों, तो उसको हम जो है एसी का फिल्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने का जो तरीका है वो सिंपल है, मैं वो आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे लॉक लगा है, आपने इसको जो है इसको अंदर की ओर दबाना है, और ये देखिए ये बाहर आ गया है एक साइड का लॉक। और ऐसे ही दोस्तों दूसरी साइड भी ये देखिए आप लॉक लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे भी इसको दबाकर जो है अंदर की ओर दबाना है, तो ये जो है आपका नीचे की ओर आराम से आ जाएगा ग्लो बॉक्स। ये यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हो एक लॉक दिया हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको पकड़ के साइड से आराम के साथ बाहर को खींच लेना है। तो ऐसे खींचने पे जो है दोनों साइड से इसको खींच देना है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ये खींचने पे जो है निकल जाएगा। इसके अगर आप अंदर बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सांचा दिखाई देगा, यहाँ पे जो है एसी फिल्टर लगा होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एसी फिल्टर को जो ये है आराम के साथ बाहर निकल जाता है, और इसको हमें आराम के साथ बाहर निकालने के बाद जो है इसको चेक करना है कि कहीं ये ब्लॉक तो नहीं हो चुका है। तो दोस्तों हमें इसको निकाल लेना है, और दोस्तों इसका निकालते वक्त आपने ध्यान रखना है जो आपका ब्लोअर है वो ऑफ ही हो। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अभी इसको जो है 2-3 दिन पहले जो है इसको नया डाला है, अभी ये पूरे का पूरा आपको साफ दिख रहा है, वाइट है ये पूरे का पूरा, ये जो है डस्ट के साथ भर जाता है। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अगर ये डस्ट के साथ भरा हुआ है तो, अगर ज्यादा भरा हुआ है तो दोस्तों आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा, अगर कम है तो आप दोस्तों इसको ऐसे झाड़कर जो है इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये चोक होगा एसी का फिल्टर तो आपकी गाड़ी में जो है एयर फ्लो जो है वो बहुत ही कम रहेगा, और ऐसे में जो है आपकी गाड़ी के अंदर कैबिन में जो है कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों ये स्टेप जो है अभी आपको मैंने बता दिया, जैसे आपने निकाला है इसको वैसे ही उसी तरीके से लगा देना है इसको। तो दोस्तों अगला जो स्टेप है ये आप देख सकते हो, आपके अलग अलग मॉडल की गाड़ी में अलग अलग टाइप से ये वाला स्विच दे रखा होगा, ये होता है एयर वेंटिलेशन वाला स्विच, कि आप किस मोड में जो है इसको रखना चाहते हो। जब आप एसी को ऑन करते हो दोस्तों तो आपको हमेशा जो है ये रिसर्कुलेशन मोड पे ही रखना है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आप में की गाड़ी कोई और टाइप की अलग अलग है, उसमें जो है डिजिटल स्विच भी दे रखा हो सकता है डिस्प्ले के द्वारा, तो दोस्तों आपको चेक कर लेना है, लेकिन जो सिंबल आप जो देख रहे हो जो इसी प्रकार के होंगे उसमें भी। तो दोस्तों आपको इसमें रिसर्कुलेशन मोड पे रखना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके अंदर गाड़ी के कैबिन के अंदर जो ठंडी एयर होगी वही द्वारा से जो है कॉइल में से रिसर्कुलेशन होके आपकी गाड़ी के कैबिन में आती रहेगी। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, वो जो हवा है वो पहले से ही ठंडी होगी और वही हवा फिर से रिसर्कुलेशन होगी, तो दोस्तों ऐसे में जो है वो हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी और आपके कैबिन में जो है वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग बनी रहेगी। अगर आप इसको इस मोड पे चलाते हो तो रिफ्रेश मोड पे, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जो आपकी गाड़ी में हवा आएगी एसी के द्वारा वो दोस्तों रिफ्रेश मोड पे रहेगी, और वो जो बाहर वाली एयर है वो अंदर आएगी, और बाहर वाली जो एयर होती है दोस्तों वो गर्म होगी, और गर्म एयर जो है वो इतनी ज्यादा कूलिंग जो है इतनी ज्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी, और आपकी गाड़ी में जो है प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं बन पाएगी, और अंदर वाली जो एयर है वो भी बाहर जाती रहेगी। तो दोस्तों आपको इसी मोड पे इसको रिसर्कुलेशन मोड पे ही रखना है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो है बोनट ओपन कर लेना है, आपने फ्रंट इंजन वाली साइड आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एसी की जो है दो पाइपें दिखेगी, तो एक तो ये वाली पाइप होगी मोटी वाली पाइप दोस्तों, तो दूसरी आपको जो है ये एक पतली सी पाइप दिखेगी जिसमें से जो है ये कैप दे रखा होता है, इसमें से एसी गैस को इसमें फिल करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मोटी वाली पाइप है, जब आपने गाड़ी को 5 से 10 मिनट स्टार्ट करके रखना है एसी ऑन करके, तो दोस्तों आप इसको जो है हाथ लगा के देखोगे तो ये एकदम से जो है चिल्ड हो जाएगी, जैसे कि आप किसी आइस की सिल्ली को जो है हाथ टच लगाओगे तो जो जितनी ठंडी आपको वो आइस लगेगी उतनी ही ठंडी आपको प्रॉपर पाइप लगेगी। अगर दोस्तों आपकी पाइप ये वाली जो है प्रॉपर ठंडी उसी तरीके से हो रही है तो दोस्तों समझ लेना जो है आपकी गाड़ी में जो है वो एसी गैस प्रॉपर तरीके से है। और अगर दोस्तों ये
पाइप जो है आपको अच्छे तरीके से ठंडी नहीं लग रही, हल्की सी आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से ठंडी नहीं हो रही है, तो दोस्तों ऐसे में जो है आपकी गाड़ी में जो है वो एसी गैस जो है वो कम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में एसी गैस जो है वो चेक करवा लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।